मेरा बेटा सबसे अच्छा तैयार होकर स्कूल जाएगा, है ना? और बड़ा होकर अफसर बनेगा। मम्मा, हमने कितना पढ़ा है? बस बेटा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकी। वो क्यों? ओफो, कैसे कैसे सवाल पूछते रहते हो। छोड़ो इस बात को। अयान तैयार हो गया है? जी, ला रही हूँ। मैं हूँ मूसा हैदर और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। आज से कुछ अरसा पहले छोटों को तो क्या, बड़ों को भी अपने माँ बाप से इस किस्म के सवालात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज कंप्यूटर और मोबाइल के इस जदीद दौर ने छोटे बच्चों को जैसे सवालात करने की आदत ही डाल दी है। वो बिना सोचे समझे बस सवालात करते ही जाते हैं। तैयार होने में देर लगा रहा। वो क्यों? तुम पर जो गया है इसीलिए। अच्छा, कोई अच्छे काम करे तो तुम पे गया है, कोई ऐसा वैसा काम कर दे तो मुझ पे गया है। वेरी गुड। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, अब देर नहीं हो रही। अच्छा, मुझे ये बता दो, जो भी नाश्ता करना ना मुझे बता दो, दोबारा नहीं जाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत है बार बार भेजने की। अच्छा ठीक है, आते हुए हलवा पूरी ले आना, ठीक है? अब जाओ, देर हो रही है इसे। घर की तरह मंसूर का घर भी खुशियों का गहवारा था। उनके घर का रोज का मामूल था कि उसकी बीवी उसके इकलौते बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर मंसूर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता। अक्सर वापसी पर वो नाश्ता लेकर घर आता और दोनों मियां बीवी मिलकर नाश्ता करते। एक रोज करीमा ने अपना मोबाइल फोन खराब होने की वजह से अपने शौहर को उसे ठीक करवाने का कहा। ठीक करवा दो, 2 दिन से कह रही हूँ, सुनते नहीं हो तुम। क्यों भाई, तुम्हारा कौन सा यहाँ पे बिजनेस चल रहा है जो तुमने फोन पे एडवर्ट देने? क्या मतलब है तुम्हारा? कि जिनका कारोबार होता है उन्हीं के मोबाइल की जरूरत होती है? होना तो उनके पास ही चाहिए। तुम एक डोमेस्टिक वाइफ हो, तुम्हें क्या जरूरत मोबाइल की? जरूरत है, कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, बच्चे का फोन आ सकता है फोन से। बच्चे के पास फोन तो है नहीं, फोन कहाँ से करेगा? हो तो मेरे शोहर, लेकिन कभी कभी ना पागल लगते हो मुझे। वो क्यों? टाइम आने दो, खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, ठीक करवा देते हैं आपका फोन। क्या बना पैसों का? तुमने कहा था आज मिल जाएंगे। कहा था, नहीं मिले। पर तू किस चक्कर में पूछ रही है? वापस देने जिसे उधार लिए थे, अब क्या कहूँ उसे? वही जो मैंने तुम्हें कहा है। देखो, या तो पैसे मंगवाया ना करो, मंगवाते हो तो टाइम पे वापस भी किया करो। कहा है ना, नहीं मिले जिसे लेने थे। और उसे क्या दे, सफर कर ले। अजीब आदमी हो वैसे, सारा दिन घर में बैठे हड़हरामी करते हो और ऊपर से धौंस भी जमाते हो। और बीवी कमा रही है ना मेरी, फिर मुझे किस बात की परेशानी? और मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं? तौबा है।
अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम मंसूर भाई, क्या हाल है? अल्लाह करे भाई, आप सुनाए। ये मोबाइल चेक करना था। दिखाए, चेक कर लेते हैं अभी। मंसूर भाई ये छोड़ के जाना पड़ेगा सेट। अली भाई आपकी भाभी का है, थोड़ा जल्दी कर दे तो मेहरबानी। शाम तक कोशिश करूंगा कि हो जाए। अच्छा ऐसा करिए, आप दुकान से वापसी पर चक्कर लगाते जाइएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा ये अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, ऑफ हो तो चार्जिंग करता है, ऑन करें तो चार्जिंग नहीं करता। मंसूर भाई आपको पता है अली कभी दो नंबर काम नहीं करता, इसलिए तो बेधड़क आपके पास आ रहे। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मंसूर भाई ये एक मिनट रहिएगा, ये मेमोरी कार्ड शायद आप भूल गए, ये लेते जाइएगा। मैं कहता सर अली दी ग्रेट, आपने देखा है किसी और के पास होता तो ये मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा था। आपकी मेहरबानी है, आपसे सलाम अल्लाह हाफिज। मंसूर अली से सिम और मेमोरी कार्ड लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी दुकान की तरफ रवाना हो गया। शुक्रिया अदा करने की वजह यह थी कि आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास स्मार्टफोन ना हो और उसकी सहूलियात से पूरा फायदा ना उठाता हो। मंसूर की बीवी करीमा को भी मोबाइल में तस्वीरें बनाने का जुनून की हद तक शौक था, बस यही वजह बनी थी उसके शुक्रिया अदा करने की। अरे वालेकुम सलाम, आज किधर रास्ता बोल गए? बस मेरी याद आई और हम चले आए। बैठ। और आया था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। और सुना काम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का बड़ा करम है, नौकरी चल रही है। वालेकुम अस्सलाम, ला शुक्रिया यार। वाह मंसूर, ये क्या सिलसिला है भाई? बस यार पुरानी रवायत है, उसी पर कायम है। इसका मतलब है रोज घर का ताजा खाना खाते हो तुम। हाँ बस पहले मेरी बेगम की मेहरबानी, फिर इस भाई की मेहरबानी। बड़ा अच्छा करते हो यार, होटल के खाने से तो बहुत बेहतर है। हाँ यार ये तो है, लेकिन आज मैं खाना अकेला नहीं खाऊंगा, तू भी मेरे साथ खाएगा, आजा। मंसूर जब घर जाने के लिए अपनी दुकान से निकला तो उसे अच्छी तरह इस बात का अंदाजा था कि वो घर जाते हुए अपनी बीवी का मोबाइल फोन लेकर जाएगा, और मोबाइल फोन लेने के लिए वो वहां से सीधा अली की दुकान पर पहुंचा। चले कोई बात नहीं, वो मैं उतनी देर में वो सामने से होके आता हूँ। ठीक है ऐसा करें, आप हो के आ जाए, मैं आपके लिए चाय मंगवा के रखता हूँ। अच्छा क्या बना मेरे मोबाइल का, ले आयो छोड़ आयो? ले आया मोबाइल। पहले ये बताओ कि पैसे मिले या नहीं? नहीं अभी नहीं मिले। सिर्फ 20,000 रुपए की खातिर तुम 10 साल का ताल्लुक खत्म कर रही हो? तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने शोहर के साथ ताल्लुकात खराब कर लूं?
भाई। वालेकुम सलाम। क्या बनाऊं भाई का? बस 10 से 15 मिनट और चाहिए मुझे। चले कोई बात नहीं, वो मैं अपनी देर में ना वो सामने से होके आता हूँ। ठीक है, ऐसा करें आप वो के आ जाए, मैं आपके लिए चाय मंगवा के रखता हूँ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, आपकी भाभी और भतीजा इंतजार कर रहा होगा। चले आप होके आए फिर। अभी सुलाकर आ रही हूँ दूसरे रूम में। बैठे? नहीं, शुक्रिया। अच्छा क्या बना मेरे मोबाइल का, ले आयो छोड़ आयो? ले आया हूँ मोबाइल। पहले ये बताओ कि पैसे मिले या नहीं? नहीं अभी नहीं मिले। तुमने वापस मांगे नहीं होंगे, क्योंकि खसूसी ताल्लुकात है ना उनके साथ तुम्हारे। ये क्या उल्टा बोल रहे हो, बात हुई है मेरी रोही से, कह रही थी कि एक दो दिन में वापस कर देगी। कहो तो मैं बात करूं। जी नहीं, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, मैं खुद ही निकलवा लूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बात करने की। क्यों, तुम्हें तकलीफ होगी इस बात की? मेरा बात करना गवारा नहीं है तुम्हें उससे? क्या फजूल बोल रहे हो, यह हम औरतों का मामला है और हम तक ही रहने दो। ये सिर्फ औरतों का मामला नहीं है, दरमियान में रूही का शौहर भी है, उसी ने पैसे लिए थे ना। ये क्या बोल रहे हो, सोच समझ कर बोला करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा मोबाइल, मेमोरी कार्ड और सिम अच्छी तरह चेक कर लेना। फोन किया? क्या, क्यों, हुआ क्या है? पागल ना बनो, तुम सो जाओ, मैं कल आऊंगी तुम्हारी तरफ, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ कहा ना, कल आऊंगी फिर बात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या क्या हुआ है? पागल हो गई है, तुम्हें तो पता है अचानक ही दिमाग खराब हो जाता है उसका। क्या कहती है, हो क्या गया है? कुछ नहीं, तुम भी सो जाओ। दोनों मियां बीवी के दरमियान होने वाली नाराजगी सिर्फ एक रात ही कायम रही। अगली सुबह उठकर मंसूर ने अपनी कही गई तल्ख बातों पर बीवी से माफी मांगते हुए उसे मना लिया। मियां बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां मियां बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर नाराजगी ना हो जाए, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो जाती है। अगर ये नाराजगी खत्म ना हो तो उनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। छोड़ दो, सुन रही हो ना तुम? अच्छा बाबा सॉरी, ये देखो मैं तुम्हारा फेवरेट नाश्ता लेके आया हूँ।
क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं करना नाश्ता, खुद ही कर लें। देखो तुम्हें पता मैं अकेला नाश्ता नहीं करता, नाश्ता करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे। क्यों मुझे तंग करते हो? फिर वही बात, मैंने सॉरी बोल तो दिया है। पहले जख्म देते हो फिर मरहम रखते हो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसे करते हो। क्यों, मैं और अयान तुम्हारे आगे पीछे नहीं है? तुम मेरे होते तो किस चीज की कमी होती मुझे, मगर ऐसा है ही नहीं। और मैं किसको हूं? तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। बस तुम्हारी यही बातें तकलीफ देती हैं मुझे। बच्चे का ख्याल ना होता तो कब से चली गई होती मैं तुम्हारे घर से। छोड़ भी दो इन बातों को, चलो नाश्ता शुरू कर दो, पूड़ियां ठंडी हो रही हैं। तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी समझो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बाबा ठीक है, प्लीज नाश्ता करो। करीमा की शौहर के साथ नाराजगी खत्म होने के बाद जब उसका शौहर घर से गया तो उसके कहने के मुताबिक उसने अपनी सहेली को बुलाया और उससे सख्ती के साथ पैसों का तकाजा किया। उन दोनों के दरमियान बात बढ़ते बढ़ते तल्ख कलामी तक पहुंच गई। अक्सर लोग कहते हैं कि नेकी करने के बाद उसे भूल जाना चाहिए, खासतौर पर जब मामला पैसों का हो। पैसे वो ही अपने होते हैं जो अपने हाथ में हो। इस कहानी में आगे क्या हुआ? आज तो तुमने दोस्ती का सत्यानाश कर दिया करीमा। नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, तुम अपने घर में खुश और मैं अपने घर में। सिर्फ 20,000 रुपए की खातिर तुम 10 साल का ताल्लुक खत्म कर रही हो। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने शोहर के साथ ताल्लुकात खराब कर लूं? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। जो अपने शोहर की नहीं बनी तो किसी और की क्या बनेगी? फजूल की बहस मत करो सुना, और आईना मेरे घर मत आना। बेफिक्र रहो, मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊं, और तुम भी मत आना। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, बस मुझे पैसे भिजवा दो, उसके बाद हमारा ताल्लुक खत्म। बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी तुम्हारी असलियत सामने आ गई। ज्यादा बातें ना करो और निकलो यहाँ से। नहीं चाहती, क्या कर लोगी तुम? मैं बताऊँ क्या कर लूंगी? ये कर लूंगी। तेरे बाप का घर नहीं है ये, मेरा घर है। तो तुमने अच्छा नहीं किया करीमा, अगर मैंने अपने शौहर को बता दिया ना तो तेरी जान ले लेगा। अच्छा चल निकल इधर से, बड़ी और धमकियां देने वाली है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ करीमा, खैरियत है? वो रूही आई थी अभी मेरे पास। फिर? धक्के देकर निकाला है मैंने। तो बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी, आराम से बात कर लेती। आराम से बड़े दिनों से कह रही थी, सुनती कब थी वो। चलो ठीक है, जो हो गया अब उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। धमकियाँ देकर गई है, मेरे मियाँ को पता चला तो जान से मार देगा। अब तुम घर से ना निकलना, शाम को आता हूँ तो फिर देखते हैं। खुदा हाफिज। जल्दी घर आ जाना। अल्लाह हाफिज। इस वाके को 2 रोज गुजर चुके थे, मगर ना ही रूही दोबारा करीमा के घर आई और ना ही उसका शौहर। मंसूर ने यह बात सोच ली थी कि अगर इन दोनों में से कोई भी दोबारा उसके घर आया तो वो फौरी तौर पर थाने जाकर इनके खिलाफ डराने धमकाने और जान से मार देने की धमकियां देने का पर्चा दर्ज करवा देगा। मगर उनकी खुशकिस्मती थी कि वो दोबारा उनके घर नहीं आए, शायद इसलिए कि उन्होंने उनके पैसे देने थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? मेरा खाना नहीं लाया तुम?
यही तो मैं पूछा मंसूर भाई, घर में कोई नहीं आज? क्या हो गया, तेरी भाभी घर में ही है? आज तनख्वाह मिलनी थी ना, पूछने में तमीज बांधनी पड़ती है। तनख्वाह तो मिल गई है, लेकिन तुम्हें उसमें से एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़ाई का मतलब मार कुटाई या सिर्फ जबानी कलामी? नहीं नहीं, जबानी कलामी। घर की चाबी किस किस के पास होती है? वालेकुम सलाम। कमर किधर रह गया था यार, इतनी भूख लगी हुई है। आज घर पे कोई नहीं है मंसूर भाई। क्यों, क्या हुआ, मेरा खाना नहीं लाया तू? यही तो मैं पूछा मंसूर भाई, घर में कोई नहीं आज? तो क्या हो गया, तेरी भाभी घर में ही है? मैं तो बैल दे के दरवाजा खड़का खड़का के थक गया, कोई बाहर ही नहीं निकला। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? ये तो मुझे नहीं पता मंसूर भाई, उनके पास फोन है तो फोन करके पता कर ले। हाँ ये ठीक है। कहीं अयान के स्कूल ना चली गई हो? हो सकता है मंसूर भाई, वैसे आप जल्दी से घर जाके चेक कर लें। हाँ यार ये ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जी कैसा चल रहा स्कूल तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत, आज स्कूल का पूछ रहे? आज तनख्वाह मिलनी थी ना, पूछने में तमीज बांधनी पड़ती है। तनख्वाह तो मिल गई, लेकिन तुम्हें उसमें से एक पैसा नहीं मिलेगा। वो क्यों? सबसे पहले मैंने अपनी सहेली को मनाना है, उसका कर्ज उतार कर। उसे छोड़ो, पहले अपने शोहर को मनाओ, सहेलियाँ बहुत मिल जाती हैं, मुखलिस शोहर नहीं मिलता। अच्छी बातें बना लेती हूँ। खाना बनाया है कि नहीं? बना लिया सरकार, खाने की करो, हाथ मुँह धो लो, मैं गर्म करके लाता हूँ। मामा स्कूल तो नहीं आई? नहीं। पता नहीं किधर चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। करीमा अजान, वो क्या हो गया? हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी बीवी को कोई मर्डर करके।
लम्हात बाप और बेटे दोनों के लिए इंतहाई दर्दनाक थे। इस कत्ल की इत्तला जब पुलिस को दी गई तो वो मौके वारदात पर पहुंची। उन्होंने अच्छी तरह जाए वारदात का मुआयना किया और कत्ल की एफआईआर दर्ज करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। पुलिस ने जब मंसूर से किसी पर शक के बारे में पूछा तो उसने रूही और उसके शौहर का नाम बताया। जी फरमाइए। रूही आपकी बेगम का नाम है? जी बिल्कुल। और आपका? जी जानशेर। हुआ क्या है? आपके पड़ोस में करीमा नामी खातून का कत्ल हो गया। क्या अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ खबर ही ना हो। रूही 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 क्या हुआ? करीमा का कत्ल हो गया। हाय मेरे अल्लाह, लेकिन पुलिस हमारे घर क्या लेने आई है? हम आप दोनों को लेने आए हैं। कत्ल होने वाले के शोहर ने आप दोनों पे शक का इजहार किया है। वो पागल हो गया वो। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। जी जो बात पूछनी है यही पूछ लेना। पुलिस ने करीमा की पड़ोसन और सहेली रूही और उसके शौहर जान शेर से उसके कत्ल के बारे में इब्तदाई तफ्तीश तो की, लेकिन पुलिस को इस तफ्तीश के दौरान उनसे बातचीत करते हुए किसी भी ऐसी बात का सुराग नहीं मिला जिससे उनके कत्ल में मुलव्विस होने के बारे में पुलिस को शक हो। इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि करीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मोहल्लेदारों से तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि इस कत्ल को सुलझाने में उन्हें कुछ मदद मिल सके। अच्छा, तो आपका कहना है कि मकतूला का पड़ोसियों के साथ लेन देन का तनाजा था? जी बिल्कुल। जब रकम की वापसी का तकाजा किया गया तो दोनों में लड़ाई बहुत हुई थी। लड़ाई का मतलब मार कुटाई या सिर्फ जबानी कलामी? नहीं नहीं, जबानी कलामी। घर की चाबी किस किस के पास होती? एक घर में और एक मेरे पास। और आप घर से कब निकलते हैं दुकान के लिए? सर मेरी कोई 9:30। और कल कितने बजे गए थे? उसी वक्त पे। मगर आपकी मोहल्ले की पान शॉप वाला तो कहता है कि कल आप 11 बजे गए थे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तेरा? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। यार भाई को कहीं पान लगाया जरा। पान दो भाई। टाइम क्या हुआ मंसूर भाई? 11 बज गए यार। लगता है लेट हो गए आज आप। हाँ यार, बस कुछ ऐसे ही मामला चल रहा है। मेरे भाई ने भी 10 बजे आना था, 11 बज गए अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, परेशानी की कौन सी बात है। पान लग गया मेरा, पैसे वापसी पे देता हूँ। पुलिस के याद दिलाने पर मंसूर अपने इब्तदाई बयान से फिरते हुए कुछ घबराहट का शिकार हो गया और उसकी इसी घबराहट ने पुलिस के सामने से कुछ मामलात से पर्दा उठा दिया।
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की लाश को अस्पताल लाने से तकरीबन 8 घंटे पहले ही उसकी मौत वाके हो चुकी थी, जो सुबह का तकरीबन 9 बजे का वक्त बनता है। और मंसूर अपने घर से दिन 11 बजे निकला था। इसका मतलब है जिस वक्त तुम्हारी बीवी का कत्ल हुआ उस वक्त तुम घर पे मौजूद थे, ऐसा ही था ना? देखें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना करें। कम से कम मेरे बच्चे का ख्याल कर लें जो दूसरे कमरे में सो रहा है। बच्चे का ख्याल हम तो कर ही लेंगे, मगर तुमने तो वालिद होने के बावजूद उसका ख्याल नहीं किया ना। आप चाहते हैं क्या? साफ साफ बताएं मुझे। हम इस केस को हल करना चाहते हैं बस। ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि मुझसे कुछ मिल जाए तो ये आपकी खुश रहती है। हमें आपसे कुछ नहीं लेना, बल्कि आप बताओ कि सच बोलने का क्या लोगे हमसे? फजूल बात ना करें, मुझे पता है पुलिस का। क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो हमें पैसे लगा दोगे? ऐसा नहीं है। रख ले, पूरे 20,000 हैं। यही पैसे लेने थे ना रूही और उसके शोहर से, उन्होंने वापस कर दिए। लेकिन किसी बेगुनाह पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। कहाँ है वो छुरी जिससे बीवी के गले पे वार किया था? बाजी ना करो, सच सच बताओ। नाले में फेंक दिया। देखा गलत काम का अंजाम, क्यों मारा था उसे? मैंने उसके फोन के मेमोरी कार्ड में जान शेर की तस्वीरें देखी थी। तो इसका मतलब? मुझे शक था कि जान शेर के साथ इसका भी चक्कर चल रहा है। उससे पूछ तो लेते कि उसके मेमोरी कार्ड में किसी और की तस्वीरें क्यों हैं? अपनी तरफ से ही फैसला कर लिया था बीवी के खराब होने का। अमीन, यस सर। जाओ उन दोनों मियां बीवी को बुला के लाओ। राइट सर। अब क्या होगा उस बच्चे का, कौन संभालेगा उसे? पुलिस ने रूही और उसके शौहर को मंसूर के घर बुलाया और उन्होंने पुलिस के पूछने पर सारी हकीकत उनके सामने खोल कर बयान कर दी। उन्होंने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उन्हें उनके पास अपनी कुछ तस्वीरें भिजवाना थी, लेकिन उनके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं था। उन्होंने करीमा के मोबाइल पर अपनी कुछ तस्वीरें बनाई। बस यही वो तस्वीरें थी जिन्हें लेकर मंसूर को अपनी बीवी करीमा के किरदार पर शक हो गया और मंसूर ने सिर्फ इसीलिए अपनी बीवी को उस दिन बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इसका इल्जाम इन दोनों मियां बीवी पर लगा दिया। लेकिन झूठ तो फिर झूठ ही होता। अपने आसपास के माहौल पर कड़ी नजर रखें, कहीं आपके इर्द गिर्द कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी जुर्म से बचने का एक ही रास्ता है, आप होशियार रहें। जुर्म पर मबनी दास्तानें और उनके पीछे छुपे हकायक जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।